राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ, कल जन्माष्टमी है ना, तो अपने लड्डू गोपाल के लिए जा रही हूँ पाग मेवा बनाने, पाग मेवा वाली बर्फी बनाने जा रही हूँ। और लड्डू तो मैंने कल बना लिया था, और शाम को भी आटे के लड्डू बनाना है मुझे। और कल सूजी के लड्डू बने थे इतने टाइम, अभी दोपहर है तो सुबह से मैंने नहीं सूट किया था, खाना सब बन गया, सब बच्चे चले गए स्कूल और ये ऑफिस। तो मैं जा रही हूँ पाग मेवा बर्फी बनाने, तो चलिए बना लेती हूँ जल्दी से, वरना बच्चे आ जाएंगे तो उसमें उनको खाना देना ये वो, मैं बिजी हो जाऊँगी तो नहीं बना पाऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में पाग मेवा बर्फी बनाने। तो मैं जा रही हूँ मेवा पाक बनाने। मेवा पाक बनाने के लिए मैंने ये नारियल का गोला एक कद्दूकस कर लिया, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। और डिटेल में फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम लग गया था, लगभग एक घंटा लग गया था। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर, कुकिंग वाले चैनल पर देख सकते हैं, इंडियन शेफ सुमन पे। ये सारा मतलब मेवा पाक बर्फी जो मैंने भगवान जी के भोग के लिए बनाया है, तो इसमें डिटेल से नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेवा पाक बर्फी बनी बहुत अच्छी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन अभी टेस्ट कोई नहीं कर सकता। अभी ये सेट हो गई है, मैं सोच रही हूँ इसमें कट लगा दूँ, नहीं तो बाद में कट लगाते नहीं बनेगा, तो मैंने कट लगा दिया है। अब धीरे धीरे करके मैं एक एक पीस निकालूँगी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के भोग के लिए सूजी के लड्डू बना के रख दिए हैं, और मेवा पाक बना के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, पाक में और बर्फी हमारी बन गई है। अब मैं जा रही हूँ, सब किचन फैल जाता है ना देखिए, तो मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने, तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। सबसे पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। शॉपिंग करने, पहले ही खरीदारी करने, क्योंकि उनका बर्थडे है तो खरीदारी तो करनी ही है। ले चलते हैं आपको वहीं, चलिए चलो, लेट हो जाएगा। कहीं भी जाती है सोना, अपनी शॉपिंग शुरू कर देती, मैगी लेना, ये लेना, वो लेना, और तो सारे कुरकुरे नहीं, कितने कुरकुरे नहीं लेना है, मैं जानती हूं, नहीं खाना तो मैगी को लिए 50 रुपए लिए, 50। तो ये हम लड्डू गोपाल के बर्थडे के लिए उनके लिए कपड़े, बांसुरी, और हाथ के कड़े, कान के कड़े, और पैर के बांसुरी, और क्या मोरपंख, आसन, ये सारी चीज़ें मैं खरीद हूँ उनके लिए। और यहाँ पर भीड़ भी है, क्या करूँ, खरीदना तो आई है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं खरीद रही हूँ अभी, हमारे पड़ोस में ही सारी दुकानें हैं, ये वहीं से मैं लेती हूँ सारी चीज़। तो जन्माष्टमी की तैयारी हमारी शुरू हो गई है, हमारे यीशु मंदिर डेकोरेट करने जा रहे हैं। आज कल है जन्माष्टमी, तो आज ही मैं डेकोरेट करवा दूँगी, क्योंकि कल के लिए बहुत सारे काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अनी हमारे सारी डेकोरेट अनी करेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ ये सब करते करते, किचन का भी करना होता है, तो ये सारी चीज़ें अनी करेंगे। तो जब तैयार हो जाएगा, तो जब तैयार हो जाएगी हमारा मंदिर बिल्कुल सच के तैयार हो जाएगा, सब अनी ही करेंगे अकेले। हाँ नहीं, मदद करूँगी, सोना करवाएगी मदद, मैं बलून खिलाऊंगा, अम्मा ये दिखा। हाँ सोना बलून पे अपना देखो क्या बना के लाई है, मैं बलून लाई थी वही इन्होंने ले लिया है, उसको आईज, लिप्स, ये सब बना के लाई है। अपने कान्हा जी के बर्थडे का मैं सारा सामान ले आई हूँ, ये देखिए कितने सुंदर उनके मैं कपड़े लेके आई हूँ, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे कान्हा के कपड़े, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरे कान्हा का आसन, ये देखिए येलो कलर का मैं लाई हूँ कान्हा का आसन, और मैं ये भी निकाल के दिखाती हूँ, ये मेरे कान्हा की पगड़ी है, देखिए कितनी, पहले मैं येलो कलर की लाई थी, फिर येलो कलर की मुझे थोड़ी सी उनके बड़ी लगी,
तो मैं ये चेंज करके लेके आई हूँ। बहुत महंगी मिली है लेकिन कैसी लग रही है, बस सुंदर लगनी चाहिए। और ये है उनका माला, देखिए माला कैसा लग रहा है। और ये उनके हाथ के कड़े। सारी चीज़ें जन्माष्टमी के टाइम बहुत महंगी कर देते हैं, ये देखिए। और एक कड़े में एक जोड़ी और लाई हूँ, चाहूँगी तो इन्हें मैं पैर में पहना दूँगी, मुझे सुंदर लगे तो मैंने ले लिया। देखिए इसके स्टोन कितने शाइनिंग मार रहे हैं। सोना तो अपने कान में पहनने के लिए ले लिया है, इसी का एक पेयर रेड कलर का। और ये मेरी कान्हा की बांसुरी, मैं इसे करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत महंगी महंगी दिया है ये बांसुरी, जरा सी है बहुत महंगी दिया है, लेकिन स्टोन पक्के स्टोन की है, एकदम पक्के स्टोन की, इसीलिए इतनी महंगी मिली है। देखिए ये मेरे कान्हा का पगड़ी में लगाने के लिए मोर पंख, और ये कुल्हड़ी उनके भोग के लिए, इसमें माखन मिश्री भी भोग लगाएंगे और दही का प्रसाद भी भोग लगाएंगे। और ये कटोरी में मैं उनको भोग नहीं लगाऊंगी, दोने लेके आई हूँ पत्ते वाले, इनमें भोग लगाऊंगी। और ये तो धूपबत्ती का पैकेट है, मेरे तुलसा जी के पास वो वाली धूपबत्ती लगती है ना, जो हाथ से गीली वाली होती है बना के, वो वाली। वैसे तो घर में स्टिक वाली है, तो स्टिक वाली वहाँ पे नहीं लगाते, बनता है स्टैंड या फिर रखें, स्टैंड खो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ अपने कान्हा के लिए, अगर कुछ कम होगा। और हाँ, एक पैकेट बलून भी लेके आई हूँ, सोना ने कहीं रख दिया है बलून में, हाँ बलून सोना ने कहीं अपने पास रखा हुआ है, तो बलून में नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो जन्माष्टमी की हमारी तैयारी शुरू हो गई है सारी, और ये सारी सजावट मैं आज नहीं दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं कि हमारी पार्टी में बर्फी कैसी बनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे कान्हा की सारी चीज़ें कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं गई हूँ थक, और वीडियो हो गई हमारी लंबी, तो आप लोग बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए। गुड बाय, राधे राधे, राधे कृष्ण।